Class 10 Supplementary English Lesson 2 The Thief's Story। ये आपका सप्लीमेंट्री बुक है, इसमें कहानी है जो चोर की कहानी है। पहली कहानी जो आपने पढ़ी वो एक कुत्ते की कहानी थी, जिसकी मालकिन एक धनी वानी महिला थी और वे कुत्ते के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। कैसे वो बीमार हुआ, कैसे उसका इलाज हुआ, किस डॉक्टर ने कैसे किया, ये सब चीज़ें उस कहानी में थी। और ये दूसरी कहानी है जो एक चोर की कहानी है। यह एक चोर कैसा व्यवहार करता है, क्या उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं और सीधे साधी आदमी कैसे उनके जाल में फंसते हैं। दीज आर इन द एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी। अनिल मेक्स फ्रेंड विथ राम। एक अनिल नाम का व्यक्ति है जो एक युवक को अपना मित्र बनाता है। ही ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, उसका पूरा विश्वास करता है, इसको मित्र बनाता है। बिना विश्वास के मित्र तो कोई बनता नहीं। तो ही हैज फुल फेथ इन हिज फ्रेंड। डज द यंग मैन बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या वह युवक जिसे वो अनिल अपना मित्र बनाता है उसके विश्वास का घात करता है, धोखा देता है उसे, उसके साथ विश्वासघात करता है? देखिए इस स्टोरी में आपको देखना है कि कोई किसी पर विश्वास करता है तो दूसरा उसके साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है या उसमें सुधार हो जाता है। हु इज आई इन दिस स्टोरी, कौन है इस कहानी में कहने वाला, इस कहानी का कथावाचक कौन है? आई यहां किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहला प्रश्न, और व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। और फिर व्हाट इज ही, वह क्या है ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये फेयरली सक्सेसफुल माने ये सफल हाथ क्या है यहाँ? ये आपको अभी क्लियर होगा कि व्हाट इज ए सक्सेसफुल हैंड इन दिस स्टोरी। हाथ की सफाई, ये हाथ की सफाई यहाँ क्या है? हाथ की सफाई, चोर जो है बड़ी सफाई से हाथ मार देते हैं, वो हाथ की सफाई है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। व्हाट डज ही गेट, और वह क्या पाता है अनिल से इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले। वह चोर उसका काम करता है जाकर, अनिल से उसके बदले में क्या देता है या वो अनिल से क्या पाता है? देखिए, नाउ वी शुड रीड दी स्टोरी। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। कहानी कथाकार यह कहता है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, मैंने बाद में वो चोर नहीं रह गया। इसका मतलब ये हुआ, ही वॉज कन्वर्टेड इन टू एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी के रूप में बदल गया संभवतः, लेकिन जब मिला था पहले तो ही वॉज ए थीफ। ही वॉज कमिटिंग थेफ्ट, ही वॉज स्टीलिंग द थिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की चीज़ों की चोरी करता था। तो कहानीकार कहानी कथा कहने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं जब अनिल से मिला तो मैं चोर था, एंड दो ओनली 15, मेरी उम्र उस समय 15 की थी, लेकिन
आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मैं इसमें चोरी करने बड़ा अनुभव प्राप्त कर लिया था, बहुत ही अनुभवी हो गया था एंड फेयरली सक्सेसफुल। यहाँ है ना फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ये प्रश्न में आया है ना, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बड़े सफाई से काम कर लेता था अपना, बड़ा ही सफल हाथ था मेरा, बिल्कुल साफ साफ काम करके निकल जाता था। आई डिड माई वर्क वेरी सक्सेसफुली, मैं जब अनिल से मिला तो मैं चोर था, एक दिन मेरी अवस्था 15 साल की ही थी, लेकिन मैं अपने काम को बड़ी साफ गोई से कर लेता था। ये नरेटर कह रहा है, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। चोर कह रहा है कि जब मैं उससे मिला, उसके पास गया, तो अनिल कुश्ती मैच देख रहा था, वहाँ कोई मैच चल रहा था कुश्ती का, अनिल उसे देख रहा था, और वहीं उस कुश्ती के दंगल में मैं उससे मिला। आई मेट हिम इन द रेसलिंग मैच वेयर अनिल वाज एंजॉयिंग इट, अनिल वाज वॉचिंग इट आर लुकिंग एट इट, ही वॉज अबाउट 25। अनिल की उम्र करीब 24 वर्ष थी, एक टाल एक लंबा लीन फिलो दुबला आदमी, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और इजी गोइंग आदमी था, लापरवाह आदमी था, आसान से चलने वाला, कोई छल कपट का आदमी नहीं था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लीन हार्टेड मैन, बड़ा ही सरल व्यक्ति था, और दुबला पतला था, लंबा था, गुड हाँ काइंड उदार था, सिंपल सरल था, एनफ फॉर माई पर्पज, हाँ मेरे उद्देश्य के लिए बड़ा ही सरल था, मैंने बहुत आसान था, मैं बड़े आसानी से अपना हाथ साफ कर सकता था, बिकॉज ही वॉज वेरी ईजी गोइंग पर्सन, ही वॉज नॉट वेरी केयरफुल अबाउट हिम एंड ही वॉज वेरी काइंड, देयरफॉर इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू गेट सक्सेस वाइल स्टीलिंग हिज थिंग्स, उसकी चीज़ों को चोरी करने में सफल होना मेरे लिए बड़ा आसान था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, आई हैड नॉट हैड, मैं नहीं रखता था मच लक अधिक भाग्य, मैंने मेरा भाग्य उस समय कुछ साथ नहीं दे रहा था, मैंने मेरी चोरी चकारी उसमें कम चल रही थी बहुत दिनों से, अब लेट कुछ दिनों से मैं अपने काम से मन मेरा धंधा धीमा था, मंदा था, एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं इस युवक का विश्वास जल्दी ही प्राप्त कर लूँगा, आई विल बी faithful to him very easily, and as my business was very slow at that time, my luck was not favoring me, therefore my work was very slow at that time, I met Anil who was very gentleman, and it was very easy for me to get success. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friend. मैंने कहा उससे कहा अनिल से कहा कि आप तो कुछ पहलवान दिखते हैं, देखो दुबला पतला था, लेकिन उसने उसे कुछ पहलवान कहा इसलिए उसकी चापलूसी हो जाएगी
और चापलूसी से लोग खुश होकर आसानी से दोस्त बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसने चापलूसी की। ए लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी चापलूसी मदद करती है मेकिंग फ्रेंड, मित्र बनाने में, दोस्त बनाने में। उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए तो आदमी आपका मित्र हो जाएगा। ये जान लीजिए प्रशंसा सबसे बड़ी कमजोरी है आदमी की। आप जिसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देंगे वो आप पर खुश हो जाएगा और फिर उससे सबसे ज़्यादा फायदा आप ले सकते हैं। तो दिस प्रेज इज द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ ए मैन एंड ही कैन बी मिसगाइडेड एट एनी टाइम विथ हिज प्रेजर अप्रेजर। विथ द फ्लैटरी ऑफ ए पर्सन, किसी की चापलूसी करके उससे आप नाजायज फायदा ले सकते हैं। इसलिए मैंने भी चापलूसी की, उससे कहा आप तो खुद पहलवान दिखाई देते हैं, यू लुक ए रेसलर, सो डिड यू, ही रिप्लाइड। और इन्होंने कहा आप भी तो पहलवान ही देखते हैं। विच पुट मी ऑफ फॉर द मोमेंट, और जिससे मैं चुप हो गया। जब उसने मुझे भी कहा कि आप भी तो पहलवान देखते हैं तो फिर उसका जवाब इस तरह का था कि मुझे कुछ कहने का रास्ता ही नहीं रहा। एज आई फ्लैटर्ड हिम ही आल्सो फ्लैटर्ड मी, जैसे मैंने उसकी चापलूसी की वही वार उसने मुझ पर भी कर दिया एक क्षण के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं 15 साल का तो था ही ना, 15 साल का था तो वो दुबला पतला था ही। वेल आई सेड मॉडेस्टली, और मैंने बड़ी विनम्रता से उससे कहा हाँ आई डू रसिल ए बिट, मैं भी थोड़ा बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी कुश्ती लड़ लेता हूँ। मैंने ही वॉज वेरी पेशेंट, चोर था लेकिन बड़ा ही धैर्यवान था, बड़ा कुशल था। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइक, मैंने झूठ बोल दिया, नाम उसका कुछ दूसरा था, अपना सही नाम नहीं बताया, उसने अपना नाम बताया कि माई नेम इज हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, चोर था इसलिए हर समय अपना नाम बदलता रहता था। उसने कहा कि वो कह रहा है कि मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ, एक नया नाम ले लेता हूँ। आई ऑलवेज चेंज माई नेम एंड हैव ए न्यू नेम इन एवरी मंथ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। अब इससे पुलिस से मैं बच जाता हूँ, पुलिस की निगाह पर नहीं होता। एंड माई फार्मर एम्प्लॉयर्स, और मैं अपने जिनके यहाँ जो हमारे पहले के एम्प्लॉयर थे जो हमको नौकरी दिए थे काम पर लगाए थे, हमारे मालिक भी इससे, अपने मालिकों से, पुराने मालिकों से और पुलिस से, मैं इस नाम के बदलने के कारण बचता निकल जाता हूँ, बच निकलता हूँ। आई कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम माई ओल्ड एम्प्लॉयर्स एंड द पुलिस। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब परिचय हो गया दोनों से, उसका नाम अनिल और इसका नाम हरी सिंह, दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब अनिल जो है वेल ऑयल्ड रेसलर्स को बढ़िया तेल और लगा के कुश्ती लड़ने के लिए तैयार उन पहलवानों की बात करने लगा जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। तो उनकी कुश्ती लड़ने की कला के बारे में बात करने लगा। नाउ ही बिगन टू टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ द वेल मेंटेन्ड बॉडीड रेसलर्स विच वेयर आई एल्ड।
आई डोंट हैव मच टू से, और मुझे अधिक इसमें कहना नहीं था, मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैं तो चोर था, चोरी करने गया था, मुझसे इससे क्या मतलब, कैसे लड़ रहे हैं, आई हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन रेसलिंग, देयरफॉर आई हैव नथिंग टू से। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया, आई फॉलोड कैजुअली, धीरे धीरे मैं भी उसके पीछे चला, कहीं रुक जाता फिर चलता, फिर रुकता फिर चलता, कैजुअल आकस्मिक रूप से रुकते चलते हुए। हेलो अगेन ही सेड, और फिर उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने फिर उसे बहुत ही प्रभावशाली मुस्कान दी, बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से मैं हंसा कि वो मेरे मुझसे प्रभावित हो जाए, मैं मुस्कराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, जब उसने हेलो कहा तो हंसते मुस्कराते हुए मैंने कहा मैं आपके लिए काम, आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ कीप मी एज ए सर्वेंट, मुझे एक नौकर की तरह आप रख लीजिए, आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू और फॉर यू, नॉट विथ यू बट फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, आई हैव नो मनी, आई विल नॉट पे यू फॉर योर वर्क, यू डू फॉर मी। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, और मैंने एक मिनट तक इस विषय पर विचार किया, सोचा परहैप्स आई हैड मिसजज्ड बाई मैन, और फिर उसने सोचा कि शायद मैं अपने चुनाव में, अपने उद्देश्य के लिए व्यक्ति के चुनाव में मैं गलती का मिसजज कर लिया, मैं गलत हो गया, मुझसे गलती हो गई, मेरे अपने चुनाव में, इस व्यक्ति के चुनाव में मुझसे गलती हो गई कि मैंने, ये हमारे काम का आदमी नहीं है। जब उसने कहा आई विल नॉट पे यू, देन द थीव हरी सिंह थॉट दैट ही इज नॉट ए मैन यूजफुल फॉर मी, संभवतः पॉसिबली आई हैव मिस्टेकन। आई आस्क्ड, मैंने कहा कैन यू फीड मी, तुम मुझे खिला सकते हो, खाना तो दे सकते हो, मान लो पैसे नहीं दोगे मत देना, नहीं खाना दे सकते हो ना, यू कैन फीड मी, यू कैन गिव मी फूड, कैन यू कुक। तो अनिल ने कहा क्या आप खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लिव, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना लेता हूँ, आई कैन कुक, आई नो कुकिंग, फिर झूठ बोला। इफ यू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो ये हो सकता है मैं तुम्हें खाना दे दूँ, मैंने इफ़ यू कुक, इफ यू कैन डू द वर्क ऑफ ए कुक आई विल गिव यू द फूड। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, एक जमुना स्वीट शॉप थी वहाँ, जमुना मिठाई की दुकान थी, उसी के ऊपर वाले कमरे में रहता था, तो अपने कमरे पर ले गया। ही accompanied me to the to his room which was on the upper story of Jamuna Sweet Shop and told me I could sleep on the balcony, और मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो, बालकनी में सो सकते हो। तो उसने कहा कि तुम, this is the sleeping place in the balcony for you, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. But the meal I cooked, लेकिन मैंने जो खाना बनाया वह
हैव बीन टेरू, वो अत्यंत भयंकर था, वो अत्यंत खराब था, क्योंकि अनिल ने उसे सड़क पर घूमने वाले कुत्ते को दे दिया। एक आवारा कुत्ते को खाना उन्होंने दे दिया, वो स्वयं नहीं खाया। इससे अंदाज है कि वो खाना अच्छा नहीं था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा टू बी ऑफ, कि तुम यहाँ से जाओ। उसने कहा कि यू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तुम खाना बनाना जानते हो, खाना बनाए हो, कूड़ा है, दिस मील इज नॉट गुड टू ईट एंड यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड, देयरफॉर यू गेट अवे फ्रॉम हियर। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, चालू था वो, आई हंग अराउंड, उसके चारों तरफ झूलता रहा, मैंने घूमता रहा, स्माइलिंग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अत्यंत प्रभावकारी तरीके से, ताकि दूसरा आदमी प्रभावित हो जाए, प्रभावकारी ढंग से मैं मुस्कुराते हुए चारों ओर घूमता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, वो भी हंसने लगा। आई स्माइल्ड इन माई स्माइलिंग अपील्ड हिम एंड ही ऑल्सो बिगन टू लाफ। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझ पर, मुझे थपथपाया ऑन द हेड, सर पर, एंड सेड नेवर माइंड, चलो ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, अच्छा, डोंट माइंड इट, ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, आई विल टीच यू हाउ टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, डोंट माइंड इट, आई हैव टोल्ड यू टू गेट अवे फ्रॉम हियर, बट नाउ यू लिव विथ मी एंड आई विल टीच यू कुकिंग। ही ऑल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, एंड सेड, और ये कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, उसने कहा कि मैं तुझे वाक्य लिखना भी सिखा दूंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना, जोड़ बाकी भी सिखा दूंगा, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स, आई विल टीच यू राइटिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही टाट मी टू राइट माई नेम, और उसने कुकरी ही नहीं और चीज़ें मुझे सिखाई, पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया, और जोड़ना जोड़ बाकी मैंने सवाल मैथमेटिक्स भी सीखाना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ही कृतज्ञ था, आई वॉज वेरी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम, आई वॉज थैंकफुल टू हिम। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। आई न्यू, मैंने जाना, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकता हूँ। उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकता था, एंड देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट कुड आई अचीव, और मुझे जो कुछ मिला उसकी कोई सीमा नहीं थी, मुझे असीमित ढंग से वो चीज़ें मिली, लिखना, पढ़ना, प्रेम आदि, मैंने ही गेम में एवरीथिंग, ही टॉट मी, आई केम टू नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड एंड हाउ टू ऐड द सम्स, एंड दिस वॉज टू मच फॉर मी, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और काम अनिल के लिए काम करना बड़ा ही सुहावना था, बहुत ही आनंददायी था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू वर्क विथ
टू वर्क फॉर अनिल, मैं बहुत खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सवेरे मैं चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर दिन की ज़रूरतों को चीज़ों को खरीदने के लिए मैं समय निकालता, चाय बना लेता, उसके बाद बाजार चला जाता ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और उसमें मैं करीब करीब एक रुपये का लाभ कमा लेता था। चोर तो चोरी से जा नहीं सकता, सामानों को खरीदने में एक रुपये की बेमानी चोरी कर लेता था। मैंने ही मेड मनी वन रुपी पर डे इन परचेजिंग द हाउस होल्ड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मैं सोचता हूँ कि ये जानता था कि मैं कुछ पैसे इसमें से बना लेता हूँ दिस वे, इस तरह से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह ऐसा नहीं मालूम होता था कि उस पर ध्यान देता है, मैंने वो इस पर ध्यान नहीं देता। वो जानता था, यदि वो जानता था, दो ही न्यू दैट आई एम स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम इट, आई वॉज मिस यूजिंग द मनी हिज मनी, बट ही डिड नॉट माइंड, ही डिड नॉट केयर फॉर दैट। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो कमाई थी वो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स थी, वो कभी कभी होती थी, रोज नहीं, कहीं नौकरी नहीं करता था। वो कमाई उसकी दैट वॉज नॉट रेगुलर, ये इरेगुलर अर्न द मनी, हिज अर्निंग वॉज नॉट रेगुलर। ही वुड बारो वन वीक, वह एक सप्ताह तक तो उधार लेता था, एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, और दूसरे सप्ताह में वो उसको चुकता करता था, उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने दूसरे चेक के लिए हमेशा चिंतित रहता था। जो कमाई करता था उसे दूसरे हफ्ते का जो कमाई उसे मिलेगी, हफ्ते वाली मिलती थी, तो उसके लिए हमेशा चिंतित तो रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो उसे मिल जाता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर निकल जाता था, एंड सेलिब्रेट, और फिर खुश हो जाता था, मन उसका आनंद लेता था। जो ही वो चेक उसे मिलता, जो ही वो मनी उसकी कमाई की पैसे उसकी मिल जाते, वो सेलिब्रेट करने लगता, आनंद लेने लगता उसका। मैंने ही बिगन टू स्पेंड इट ईजली इन प्लीजिंग वे, इट इज नॉट माइंड फॉर द एक्सपेंडिचर, फिर वो खर्च के लिए चिंता नहीं करता। जब तक नहीं मिलता था तब तक वो चिंतित रहता, जब मिल जाता फिर वो उसे आनंदमग्न होकर खर्च करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा मालूम होता जैसे पत्रिकाओं के लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक मनी, एक अजीब ढंग था पैसा कमाने का, वो पत्रिकाओं आदि के लिए लिखता था, वो एक लेखक था, और उसे फिर पत्रिकाओं में देता था, उससे उसे पैसे मिलते थे। लेकिन इस चोर के लिए तो अजीब ही ढंग था ना, हु डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड, हु डिड नॉट नो इवन टू राइट हिज नेम, तो दिस वॉज ए स्ट्रेंज वे ऑफ अर्निंग, उसके लिए तो अजीब ढंग था कमाई का। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक दिन शाम को अनिल जब घर आया तो नोट का एक बंडल लिए हुए था, विथ सम स्मॉल बंडल, एक छोटा बंडल उसके साथ था नोटों का। ही हैज गॉट ए बंडल ऑफ नोट्स विथ हिम व्हेन ही केम एट इवनिंग,
saying he had just sold a book. और उसने ये कहा कि मैंने अभी भी अपनी एक किताब बेची है टू ए पब्लिशर, एक प्रकाशक को, एक प्रकाशक को मैंने एक किताब बेच दी और उसका मुझे पैसा मिला हुआ है. एट नाइट आई saw him tuck the money under the mattress. उसकी जो चटाई थी उसके नीचे उस पैसे को छिपाते हुए मैंने शाम को देखा, रखते हुए देखा मैंने. उस चटाई के नीचे वो बंडल जो नोटों का था उसको उसके नीचे रख दिया. He kept that bundle of notes under the mat on which he slept at night. I had been working for almost a month. मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था उसके यहाँ. And apart from cheating on the shopping, और दुकानदारी से धोखाधड़ी द्वारा इस कमाने के अतिरिक्त had not done anything in my line of work. मैंने अपने रास्ते का कोई काम नहीं किया था. हमारा जो लाइन था चोरी का, उस चोरी की लाइन का मैंने कोई काम नहीं किया था. वही जो दुकानदारी से कुछ इधर उधर से झटक लेता था, मनी कर लेता था एक रुपये रोज, बस उसके अतिरिक्त और मैंने कोई चोरी नहीं की थी. आई वॉज वर्किंग फॉर अनिल फॉर ए मंथ बट ही हैड नॉट कमिटेड थ्रेफ्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेफ्ट देयर, ओनली ही हैड चीटेड हिम and got and made one rupee per day. I had every opportunity for doing so. मुझे ऐसा करने के हर अवसर थे. मैं जब भी चाहता चोरी कर लेता. अनिल had given me the key to the door. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी. And I could come एंड गो, और मैं आसानी से आ जा सकता था एज प्लीज अपनी इच्छा अनुसार. जब चाहता मैं लेके चला जाता क्योंकि मुझे चाबी दे दी थी, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया. आई डिड नॉट डू सो. आई चीटेड ओनली फॉर ए रूपी इन शॉपिंग एंड आई डिड नॉट स्टील एनी थिंग फ्रॉम हिज हाउस दो आई हैड गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू स्टील थिंग्स. He was the most trusting person. वो अत्यधिक विश्वास करने वाला आदमी था I had ever met, जिससे मैं कभी मिला. इससे पहले इतना विश्वास करने वाले आदमी से मैं कभी नहीं मिला था. I have not seen such a person who can trust me. He was too much trusting me. And that is why it was so difficult to rob him. और इसीलिए यह बड़ा कठिन था उसे लूटना, उसकी चोरी करना बड़ा कठिन था, क्योंकि उसे मुझ पर अत्यधिक विश्वास करता था. विश्वास करने वाले की चोरी करना कठिन है, अपेक्षाकृत उसके जो नहीं विश्वास करता है. उसके चुरा लेने में कुछ नहीं, लेकिन जो विश्वास करता है उसके साथ धोखा देना इज नॉट वेरी ईजी. It is not easy to steal from a man who has got confidence on you, who trusts you. It seems to rob a greedy man. It is easy to rob a greedy man. कि लालची आदमी को लूट लेना तो बड़ा आसान है. Because he can afford to be robbed. Because he can afford to be robbed, क्योंकि वह लूटे जाने का अवसर देता है. वो लूट रहा है, इसलिए लूटा जाना उसके लिए सामान्य बात है. But it is difficult to rob a careless man. लेकिन किसी असावधान आदमी को लूटना something he does not even notice. ऐसी चीज जिसको वो देखता भी नहीं है. ही हैज़ बीन रॉब्ड, जो उसे लूटी जा रही है.
जो चीज उससे लूटी जा रही है उसको देखता भी नहीं है, लेकिन उसको लूटना बड़ा मुश्किल है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और फिर उसका सामान लेना, उससे उस सामान लेने का मजा ही खत्म हो जाता है. चोरी करने का जो आनंद मिलता है किसी लालची आदमी के वस्तु की, वो एक विश्वास करने वाले आदमी की, जो हम पर आँख मूंद की विश्वास करता है और वो देखता ही नहीं क्या हमारा लिया जा रहा है, उसकी चीज़ों को लेने में उस लेने का मजा समाप्त हो जाता है. देर इज़ नो प्लेजर इन रॉबिंग हिम. इट इज़ प्लीजिंग टू रॉब द मैन हु इज ग्रीडी, बट द प्लेजर फिनिशेस व्हेन वी ट्राई टू रॉब ए मैन हु ट्रस्ट ऑन यू, हु बिलीव यू. Well, it is time I did some real work, told myself. Anil ne apne man, Hari Singh ne apne man mein vichar kiya, chor ne. I told myself, maine apne se kaha, vichar kiya, maine apne man mein socha, ki it is time I did some real work. मैं अपना सही काम इस में कर सकता हूँ. नोट आ गई है, पैसे आ गए हैं, अब मैं इसे चुरा के निकल जाऊँ, यही असली समय है हमारे लिए. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैं तो अब प्रैक्टिस से चोरी करने का अभ्यास मेरा ख़त्म हो गया है. एंड इफ आई डिड नॉट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसा नहीं ले लेता तो ही विल ओनली वेस्ट इट, वो केवल इसे बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर. क्योंकि जब ही उसे पैसा मिल जाता था ही रिजल्ट एंजॉय दैट मनी. तो कह रहा है कि अगर मैं इस पैसे को नहीं ले लेता हूँ तो ये अपने मित्रों को खर्च कर देगा. ही विल वेस्ट द मनी विथ हिज फ्रेंड्स. एंड इट इज़ रियल टाइम, इट इज़ ए प्रॉपर टाइम फॉर मी to commit the theft. Even I had more marks on my face. After all, he does not even pay me. और सबके बाद वो मुझे कुछ देता तो है नहीं, खाना और देता है. एंड ही हैज़ नॉट पेड इवन ए सिंगल पेनी फॉर मी, जो कुछ मैंने कमाया चोरी चवारी से कमा लिया. तो ही डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर मी. अब अगले दिन इसको आप पढ़िए. क्लास 8 इंग्लिश मैकॉविटी. मैकॉविटी इज ए स्ट्रेंज टाइप ऑफ कैट. आप देखिए, अपने किताब निकालिए क्लास 8 और इस लेसन को देखिए. मैकॉविटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यात्मक बिल्ली, एक अजीब बिल्ली, अजीब ढंग की बिल्ली. बिल्लियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी बिल्ली है जो जादुई बिल्ली है. इज ए मिस्ट्री कैट, a special type of cat which is very mysterious. This is too much mysterious. Do you have a pet cat? क्या आप एक पालतू बिल्ली रखते हैं? लेखक कभी पूछता है कि आपके पास बिल्ली है. Have you got a cat? Or do you know the nature of a cat? Are you familiar with the activities of a cat? क्या आप किसी बिल्ली की गतिविधियों से परिचित हैं? अगर आपने पालतू रखा हुआ तो आप उसके बारे में जानते होंगे. हैव यू इवन नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? और अगर आपने बिल्ली रखा तो क्या कुछ अजीब चीज़ें इसकी देखी हैं? उसके अजीब व्यवहार को कभी देखा है? कभी वो इस तरह से अजीब व्यवहार करती हो? सामान्य नहीं, सामान्यतया तो
खाना पीना दौड़ना कूदना शिकार करना ये तो जानवरों का काम ही है, लेकिन क्या कभी आपने कुछ ऐसी अजीब चीज़ें गतिविधियाँ उसकी देखी हैं? हैव यू एवर केयर्ड? इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री, और ये कहना सरल नहीं है, आसान नहीं है कि हर बिल्ली जो है वो रहस्यात्मक होती है। बिल्लियाँ सामान्य ढंग से हैं, रह रही हैं, अपना इधर उधर से कुछ चुरा उरा खा पी के, या फिर अगर आपने पालतू रखा है तो जो उनका दैनिक जीवन ढंग है उस तरह से व्यवहार करती हैं। हर बिल्ली तो रहस्यात्मक नहीं हो सकती, बट मैकाविटी इज ए स्पेशल टाइप का कैट, देयरफॉर इट इज इट्स बिहेवियर इज स्ट्रेंज। Maccabity is one, for sure. Maccabity ऐसी ही रहस्यात्मक बिल्ली है। It has got some mystery in it. It has got some strangeness in it. What is that makes him a perfect mystery cat? क्या ऐसी चीज है जो उसे मिस्ट्री कैट बनाता है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? क्या उसकी ऐसी पहचान है जो उसे एक रहस्यात्मक एक अजीब बिल्ली बना देती है? कौन सी ऐसी चीज है उसमें? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। अब इस कविता को पढ़िए और खोजिए कि क्या ऐसी चीज है जो उसे आश्चर्यजनक बना देती है। What is the quality which makes it strange or wonderful, full of wonders? And you will find it, the characteristics which make it a mysterious cat. Maccabity is a mystery. Cat. Maccabity is a wonderful cat. He is called the hidden paw. He is called the hidden paw. वो एक छिपे हुए पंजों वाली, वो एक छिपे हुए पंजों वाला कहा जाता है। उसके पंजे हैं but they are not open, they are hidden, they are not seen, for he is the most criminal who can defy the law. छिपे रुस्तम जिसको कहते हैं, छिपा हुआ, for क्योंकि he is the master criminal. वह एक मास्टर क्रिमिनल है, वह एक मास्टर अपराधी है, माने अपराध में माहिर है वो, वह अपराध में अत्यंत माहिर है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून को चैलेंज कर सकता है, जो कानून को चुनौती दे सकता है। वह ऐसा अपराधी है कि वह कानून को चुनौती देकर अपराध करता है। He defies the law, he challenges the law. He does not follow the law, but he challenges it and commits crime. और अपराध करता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. वह Scotland Yard के फ्लाइंग स्क्वाड, स्कॉटलैंड यार्ड स्थान है, उसका फ्लाइंग स्क्वाड जो है उड़न दस्ता, जो पुलिस का उड़न दस्ता है, उसे भी निराश करके उसको धोखा दे रहा है, उसको भी धोखा दे देता है। अपराध करने में इतना माहिर है कि जो
स्कॉटलैंड यार्ड का फ्लाइंग स्क्वाड है, वो भी धोखा खा जाता है उससे, ही कांट कैच इट, ही कांट, ही कैनॉट अरेस्ट हिम रेड हैंडेड। फॉर व्हेन द रीच, when they reach the scene of crime, McCavity is not there. क्यों वो बैखल कर जाती है, क्यों उन्हें धोखा दे देती है? कैसे वो धोखा देता है, वो McCavity कैसे धोखा दे देता है, कैसे उनको चकमा दे देता है उस फ्लाइंग स्क्वाड को, निराश कैसे कर देता है? क्योंकि जो जब तक वो अपराध स्थल पर पहुँचते हैं, फॉर क्योंकि व्हेन दे रीच, जब वो पहुँचते हैं वे लोग माने फ्लाइंग स्क्वाड के लोग, दे सीन ऑफ क्राइम, अपराध की, अपराध के दृश्य पर, अपराध के स्थान पर, जब तक वे पहुँचते हैं McCavity इज नॉट थी, McCavity वहाँ से गायब हो जाता है। अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ेंगे तब न उसे अपराधी कहेंगे आप, और जो ही वो उस स्थान पर पहुंचे, कोई अपराध हुआ, पता चला, पुलिस पहुंची, तब तक अपराधी गायब। तो हु हैज कमिटेड दिस न्यूसेंस, हाउ कैन इट बी नोन, दे कांट प्रूफ द क्राइम ऑफ McCavity एंड देयरफॉर ही चैलेंजेस द लॉ एंड कमिट्स द क्राइम वेरी फियरलेसली। वो निर्भीक होकर अपराध करता है क्योंकि ही डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, ही इज नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम। McCavity, देर इज नो वन लाइक McCavity, ये अर्थ अनूठा है, इट इज यूनिक, कोई इसके समान नहीं है। McCavity, नो वन लाइक McCavity, उसके समान कोई नहीं है, ही इज द यूनिक पर्सन, ही हैज गॉट अ यूनिक पर्सनैलिटी, उसका अजीब व्यक्तित्व है, अद्वितीय है, नो मोर विल बी फाउंड लाइक McCavity। He is broken every human law. He has broken every human law. उसने हर मानव कानून का को तोड़ दिया है। जो भी मानव के लिए बनाए गए कानून है वो किसी को नहीं मानता। He does not obey the law which are made for the human being. He breaks the law ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि वो ग्रेविटी के ला को भी, ह्यूमन ला माने जो मानवीय कानून है, अब मानव के लिए कानून नियम क्या है, अब ग्रेविटेशन का नियम सबसे पहला है, ला ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये दिस इज ह्यूमन लॉ, और ही डज नॉट ओबे इवन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी नहीं मानता, मैंने उस पर इस पृथ्वी के, भूमि के गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं है। ही इज बियॉन्ड दिस लॉ, ही इज बियॉन्ड द ह्यूमन लॉ एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम McCavity इज नॉट देयर। और जब भी कोई घटना घटती है
और जब भी कोई घटना घटती है तो मैं कैविटी इज नॉट देयर, घटनास्थल पर मैं कैविटी नहीं मिलेगा आपको, यू विल नॉट फाइंड इट देयर वेयर द इवेंट टेक्स प्लेस. यू मे सीक ही, हाँ, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर स्टेयर, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर. उसके जो पावर हैं लेविटेशन के, माने वो हवा में लेविएट कर सकता है, वो हवा में लेविटेट कर सकता है, उड़ सकता है, तैर सकता है हवा में, और उसकी वह जो शक्ति है उससे फकीर भी मात खा जाते हैं. फकीर जो मुसलमानों के सूफी मत में लोग होते हैं, आपने देखा होगा फकीरों को, जैसे आपके यहाँ साधु हैं वैसे उनके यहाँ फकीर हैं. तो वो फकीर जो है ये कहा जाता है कि उसमें दैवी शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है. तो उसमें जो लेविटेशन की है, हवा में तैरने की जो शक्ति है, उसे फकीर भी देखते रह जाते हैं, मात खा जाते हैं. दे आल्सो आर डिफीटेड बाय इट, इवन द फकीर कैन नॉट फॉलो देम. When the supernatural persons cannot equal him, वे भी उसके समान नहीं, ये मैंने उनसे भी वो अजूब है, अजूबा है. And when you reach the scene of crime, और जब भी आप घटना के स्थान पर पहुँचेंगे, मैं कविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा. Whenever every crime takes place, wherever a crime takes place, if you go there, my cavity is not found there. He disappears from that place. You may seek him in the basement. आप उसे basement में भी खोज सकते हैं. घर के नीचे जो तखाना बनता है उस वहाँ भी मिलेगा. You may look up in the air. उसे आप हवा में ऊपर भी उड़ते हुए देख सकते हैं, माने वो नीचे ऊपर हर जगह जा सकता है. ही कैन गो एनी वेयर, ही कैन फ्लाई इन द स्काई, ही कैन इंटर इन द बेसमेंट ऑल्सो. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप तल में भी उसे पा सकते हैं, मकान के तल में भी पा सकते हैं. यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में भी देख सकते हैं उड़ते ही. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस बात को कि मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ नहीं है. आप उसे तल में देखें तो उसे वहाँ उसे खोज सकते हैं. और यू मे लुक अप इन द एयर, आसमान में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वो वहाँ नहीं है. कहाँ है पता नहीं है. द इमेजिनरी थिंग, एक काल्पनिक वस्तु है. यू मे सीक हिम, आज आप खोज सकते हैं उसे इन द बेसमेंट तल में. यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे ऊपर आसमान में भी देख सकते हैं, लेकिन कभी कहता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि वो कहीं नहीं है. He is nowhere. Mercavity is a ginger cat. Mercavity is a ginger cat. He is very tall and thin. Ginger, do you know? Ginger माने आदि. आदि की गांठ आपने देखी होगी.
उसमें एक लंबी सी आदि और उसमें कभी इधर निकला है कहीं इधर निकला है, उसमें गांठें निकली होती हैं अगल बगल, एक लंबा सा बीच में होगा उसके दोनों तरफ गांठें निकली होंगी अजीब ढंग की। तो वो जिंजर कैट जैसे आदि होती है और उसमें अनेक उसके अनेक स्वरूप होते हैं, अभी देखिए आपका है ऐसे सीधे बना हुआ, तो आदि की कल्पना कीजिए आप, तो कहीं इधर निकला होगा, कहीं इधर निकला होगा, कहीं इधर निकला होगा, कहीं इधर निकला होगा, कहीं इधर निकला होगा। तो इफ यू सी द पिक्चर ऑफ द मैकाविटी यू मे फाइंड, जैसे आप ये भिन्न भिन्न चारों तरफ से निकला हुआ है ना, ऊपर नीचे दोनों पैर या इसके ये हाथ, तो इस तरह से आदि होती है जिसके बने इस तरह से है, तो उसमें इधर भी निकला, इधर भी निकला, ऊपर भी निकला, यहाँ भी निकला, इस तरह से कल्पना कीजिए, उसके समानता को आप देखिए, आदि लेकर के गांठ आदि लंबी सी लेके देखिए, उसमें इससे मिलाइए, एंड यू विल फाइंड दैट देयर शेप्स आर टू सम एक्सटेंट इक्वल, दे लुक सम एक्सटेंट इक्वल, कुछ सीमा तक दोनों समान दिखाई पड़ते हैं। तो ये थी जिंजर कैट, जस्ट लाइक ए जिंजर, एंड ही इज वेरी टॉल एंड थिन, उसी तरह वो लंबा भी है और दुबला पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन, जब आप उसे देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे, क्योंकि उसकी आंखें धंसी हुई हैं, संकन इन, ये आंखें हैं उसकी, ये भीतर की ओर है ये आंखें उसकी, तो संकन इन धंसी हुई हैं, डूबी हुई हैं भीतर की ओर, और हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, और उसकी ब्रो जो है, भौं जो है वो डीपली गहराई से लाइंड, रेखाएं हैं उस पर विथ थाट, विचारों की, जब आप कुछ सोचते रहते हैं तो आपके माथे पर भौहों के ऊपर रेखाएं बन जाती हैं, तो वैसे ही वो मालूम होता है जैसे किसी विचार में व्यस्त हो, संलग्न हो, और उसके ही भौहों के ऊपर लाइनें बनी हुई हों। हिज हेड इज हाई डोम्ड, उसका सर जो है एक डोम की तरह है, गुंबद की तरह ऊपर जो उठा हुआ है, इट इज राइजन हाई, इट इज लिफ्टेड हाई लाइक ए डोम, एंड आईज आर डीपली इन, एंड हिज आईब्रोज आर पुल ऑफ द लाइन्स ऑफ द एंग्जाइटी ऑफ द कंसर्न, चिंता की रेखाएं उस पर हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर आर अनकॉम्ब, और उसकी कोट देखिए डस्टी, गंदी है, कोई सफाई करने वाला तो है नहीं, सफाई करती नहीं, इसलिए उसकी कोट क्या है, गंदी है, और यह विस्कर उसकी मूछे अनकॉम्ब, काम माने आपका वो कंघा होता है, कंघा, आप अपने बाल को कंघा करते हैं, तो दैट इज कॉम्बिंग, और इसकी मूछे इधर उधर बिखरी हुई है, इस पर कभी कंघी नहीं की गई है, इसकी कोट गंदी है, इसका कोट जो है वो गंदा है, और इसकी मूछें बिखरी हुई हैं, दे आर नॉट काम, संवरी हुई नहीं है, दे आर नॉट वेल ड्रेस्ड विद द काम। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो अपने सर को हिलाता है इधर उधर, ऐसे ऐसे हिलाता है, इधर उधर करता है, ही स्वेज हिज हेड साइड बाई साइड विथ मूमेंट्स लाइक ए स्नेक, सर्प को आपने देखा है, सर्प जब फन काट के खड़ा होगा तो उसको हिलाता रहता है, इधर उधर हिलाता है, उसी तरह से अपने सर को वो सर्प की तरह इधर उधर हिलाता है हवा में, ही जस्ट मूविंग हिज हेड जस्ट लाइक ए स्नेक, एंड व्हेन यू थिंक He is half asleep, he awakes wide awake, he always wide awake, और वो कभी आप देखेंगे उसकी आंखें तो धंसी हुई हैं, तो जब आप देखेंगे कि वो सोया हुआ है
लेकिन वो बिल्कुल सजग है, बिल्कुल जाग रहा है। आप उसके सोता हुआ सा देखेंगे, यू विल सी हिम एज इफ ही वॉज स्लीपिंग बट ही इज नॉट स्लीपिंग रियली बट ही इज अवेक। मैकाविटी मैकाविटी देर इज नो वन लाइक मैकाविटी इज द स्ट्रेंज थिंग दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द मैकाविटी दैट यू विल फाइंड नो वन लाइक ही फॉर ही इज फेंड इन फेलाइन शी। वो अजीब है, क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ही इज अ फेंड, वो एक डेविल है, वो एक राक्षस है, इन फेलाइन शी, बिल्ली के रूप में, वो बिल्ली के रूप में एक राक्षस है, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वह नैतिक भ्रष्टाचार का एक राक्षस है, मॉन्स्टर है, दैत्य है, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और वो बिल्ली के रूप में एक दैत्य है, डेविल है, ही इज अ डेविल इन द शेप ऑफ ए कैट, एंड ही इज वेल क्वालिफाइड इन कमिटिंग द मॉरल करप्शन, इन द परफॉर्मेंस ऑफ मॉरल करप्शन, इज मॉरली करप्टेड एंड ही हैज गॉट नेचर ऑफ अ डेविल इन शेप ऑफ ए कैट। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सड़क, और बाई स्ट्रीट सड़क से जो दूसरी सड़क निकलती है, लेकिन उसके चारों उसके दोनों तरफ जिससे मकान दुकानें हों, दैट इज बाई स्ट्रीट, ये सड़क से निकल के जाती है, लेकिन उसके माने वो वीरान में सुनसान में जाने वाली सड़क को बाई स्ट्रीट नहीं कहते हैं, बल्कि मेन रोड से निकल के जाने वाली वह सड़क जिसके दोनों तरफ मकान या दुकानें हैं, दैट इज बाई स्ट्रीट। तो उस बाई स्ट्रीट पर भी आप उससे मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन दिस स्क्वायर, उसको आप चौराहे पर भी देख सकते हैं, माने वो गलियों में भी आपको मिलेगा, चौराहों पर भी, ही इज अवेलेबल एवरीवेयर। बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकाविटी इज नॉट देयर, ऐसे तो आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपराध हो जाता है तो अपराध करके वो वहाँ से गायब हो जाएगा, उसको वहाँ आप नहीं पाएंगे। इसे लोग कहते हैं कि यहाँ मार के टर रहे, मारो भगो, तो अपराध करता है भाग जाता है, ही कमिट्स द न्यूसेंस एंड रन्स अवे डिसअपीयर्स फ्रॉम द प्लेस, यू कैन नॉट फाइंड हिम एट द प्लेस ऑफ द इवेंट आर द एक्सीडेंट आर द क्राइम, दैट्स ऑल।